गुड इवनिंग लर्नर्स, आई एम क्रिस पालीवाल एंड टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें है और नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यहाँ से यू आर टू सेलेक्ट, यू आर टू चूज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा लिटिल। तो क्या होता है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये एक कहावत भी आपने सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा अधूरा नॉलेज जो है खतरनाक होता है। तो अभी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल आपने पढ़े होंगे डिटर्मिनर में भी। तो इसमें क्या होता है, लिटिल, लिटिल का यूज किया जाता है ना के बराबर जो चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसे हैं बट ना के बराबर हैं, बहुत कम है, नगण्य, कहने का मतलब है ना के बराबर पैसे हैं। तो अ लिटिल का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे थोड़ा बहुत, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे हैं, कहने का मतलब है। जैसे आधा अधूरा नॉलेज बोला मैंने ना, अ लिटिल नॉलेज, तो थोड़ा बहुत नॉलेज जो है किसी भी चीज़ का, आधा अधूरा ज्ञान किसी भी चीज़ का खतरनाक होता है, ये आपने सुना होगा। और द लिटिल का मतलब होता है जैसे जितना भी आपके पास है, द लिटिल मनी आई स्पेंड, यानी कि द लिटिल मनी, जितने भी पैसे मेरे पास थे, कहने का मतलब है आई स्पेंड, मैंने खर्च कर दिए। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, द लिटिल मनी आई हैव आई स्पेंड, यानी कि जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सब खर्च कर दिए। तो जितने थे उतने, द लिटिल उसके लिए यूज किया जाता है और लिटिल थोड़े के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे हम और भी वीडियोज इसी से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी को क्या देना, बधाई देना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट करना वर्ब है आपका कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन करके यूज किया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना किसी के, कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो क्या हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस पे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसने उसको बधाई दी उसकी सक्सेस पे, ऑन हिज सक्सेस। तो ऑन यहाँ पे आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का यूज करेंगे आप किसी को जब बधाई देने के सेंस में। तो अगला यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव नॉट डॉट 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 द टैग। तो आई हैव के साथ अगर बात करें तो थर्ड फॉर्म आती है, अगर हैव टू आ रहा है तो वी वन आएगा, हैव टू के साथ वी वन आएगा। जैसे मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो, मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू डू, ऐसे करके आप यूज करते हैं कंपल्सन के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे आई हैव आपको दिखाई दे रहा है, आई हैव के बाद नॉट आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते हैं। दो केसेस होते हैं, अगर वर्ब आ रही है तो आप सीधी से समझ जाएंगे, और अदरवाइज हैव का एक यूज पोजेशन के लिए भी यूज होता है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो ऐसे करके भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। बट ये नाउन आएगा यहाँ पे हैव के बाद जब पोजेशन की बात होगी। तो यहाँ पे हैव के बाद वी थर्ड की बात कर रहा है, सी सॉ सीन, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो आई हैव नॉट सीन दी टैग, मैंने टैग नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो सीन आ जाएगा, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी, सीन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वैसे तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, तो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कहाँ पे, परफेक्ट में, परफेक्ट की बात कर लूँ मैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। तो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है किसमें, परफेक्ट में। इसके अतिरिक्त पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ऑलवेज पैसिव जब हम बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग टू अमेरिका, आप देख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ये फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं चलना है, मैं ऑलरेडी जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो वीडियोज हमने बना रखे हैं उनमें भी बताया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हैं, देखिए मैं इसको ऐसे समझिए, मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरे मित्र हैं, तो उनमें से एक जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक की बात हो रही है, तो इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर में आपको पता है इज आएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स जो हैं उनमें से कोई एक
क्या कर रहा है, गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका जा रहा है, इज गोइंग टू अमेरिका, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैंड मी यू बुक। अब ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, इट इज़ बाई मिस्टेक, गलती से हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ना हो के यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, लैंड मी योर बुक प्लीज, दे सकते हैं। तो आप देखिए, शुड नहीं आएगा, मे भी नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, कैन यू लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं। कैन का अदरवाइज आप जानते हैं, कैन का यूज किसके लिए, एबिलिटी के लिए यूज होता है, यानी कि योग्यता के लिए, एबिलिटी जहाँ पे हम बोलते हैं, और कैन को ही इज एम आर एबल भी बोल सकते हैं आप दूसरे यूज़ में बोलना, जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस, तो आई एम एबल टू डू दिस, मैं करने योग्य हूँ कहने का मतलब, एबल यानी कि एबल से एबिलिटी बना है, तो कुड भी आप यूज कर सकते हैं, कुड यू लैंड मी यू बुक, बट यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कैन है, तो कैन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसे मे का यूज़ था इससे पहले वाले में, मे का यूज आपका एक तो परमिशन के लिए, जैसे मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आई हेल्प यू, आप मे का यूज करते हैं, ठीक है, परमिशन के लिए। दूसरा आप किसके लिए यूज करते हैं मे का, मे पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टूडे, ठीक है, ही मे कम टूमोरो, वो कल आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं मे का। मैनी ऑफ अस हैव, देखिए मैनी ऑफ अस किसका ऑब्जेक्ट होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, जैसे जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं उनको, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो कहने का मतलब है हम में से कई, तो मैनी हैव, मैनी के लिए लग रहा है ये हैव, ठीक है, मैनी ऑफ अस हैव, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस ऑफ फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है, कीवर्ड आप ऐसे पहचान सकते हैं, सिंस मॉर्निंग या फॉर वन डे टू डे ऐसे करके आ रहा है, तो आप इस ये सीधे परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, तो हैव आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सॉरी, तो हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनी ऑफ अस हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, कई हम में से कई लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई डॉट 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 क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, तो आई के बाद देखिए, जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, तो मैं क्या करता था, मैं खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो हैबिट बताने के लिए, जो पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप यूज करते हैं, आपको पता है क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू, क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं क्या था, यंग था, ठीक है। तो आप अगर इसी में यूज टू में अगर और भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, ये तो आपका ठीक है, आपकी फास्ट की हैबिट। अब अगर प्रेजेंट में इसी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो इज एम आर के साथ यूज टू लगा देंगे, आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला करता हूँ ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट, इज एम आर यूज टू प्रेजेंट में यूज करेंगे, और फास्ट में यूज करना है तो यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो इन दी हैबिट ऑफ भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में आप, जैसे एंड इन दी हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गो एट वंस लेस्ट, तो तुरंत जाइए कहने का मतलब है, गो एट वंस लेस्ट के साथ आपने देखा होगा, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, किसका, शुड का, तो लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो इसका मतलब यहाँ चाहिए से मतलब नहीं होता है, इसका सेंस होता है लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, गो एट वंस तुरंत जाइए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, समय रहते पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, ठीक है, समय रहते पढ़ाई कर लो, स्टडी टाइमली हमने बोल दिया, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसे करके आप बना सकते हैं, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, इफ यू हार्ड दे रखा है, फिर यू विल गेट सक्सेस, तो अगर आप परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, करेंगे तो पास हो जाएंगे, हम बोलते हैं ना, अगर आप बताएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, इस टाइप से बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसे बोलिए आप, हमेशा आपका करेक्ट होगा, अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इस टाइप से बोलिए आप। और मैं यहाँ पे की आपको वर्ड बता रहा हूँ, इफ जिस वाले आपके क्लॉज में
या जिस वाले पार्ट में आपका इफ दिखाई देगा उस वाले को आप किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाएंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इफ वाले को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए, और अगर इफ वाला ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अब सेकंड पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप परिश्रम करते हैं तो यू विल, तो के लिए यहाँ पे कॉमा है आपका, यू विल गेट सक्सेस, आप सफल हो जाएंगे, ठीक है, आप सफलता प्राप्त करेंगे। लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला, और शायद आप में से कई लोगों के लिए नया भी हो सकता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ही इज डॉट 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 देन ऑनेस्ट। तो आप अब यहाँ पे कंपरेटिव डिग्री आपको यूज करनी है, बट ये यहाँ पे बात चल रही है एक ही व्यक्ति की, ही क्या है, ही की बात चल रही है, ही इज ऑनेस्ट तो है वो, उससे ज़्यादा क्या है, तो बेटर आप यूज नहीं करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। आप इस टाइप के सेंटेंस में आप एक चीज़ याद रखिए, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंपरेटिव डिग्री ई आर फॉर्मेशन वाली नहीं लगाएंगे, ई आर वाली नहीं लगाएंगे, जैसे बेटर नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, और उसके साथ आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री के साथ ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री आपकी आएगी ही इज़, ये इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ही इज़ मोर गुड देन ऑनेस्ट। देखो वो अच्छा तो है बट देन ऑनेस्ट, ईमानदार होने की तुलना में वो ज़्यादा क्या है, अच्छा है, ईमानदार तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, अच्छा है, मोर गुड आ जाएगा यहाँ पे, मोर बेटर नहीं करेंगे, बेटर नहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया ई आर फॉर्मेशन वाली नहीं यूज करेंगे आप, कंपरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे किसके साथ, मोर के साथ, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही हो, और जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ की बात हो रही हो और कंपेरिजन हो रहा होगा दोनों क्वालिटीज़ के मध्य, दोनों क्वालिटीज़ के बीच सॉरी, तो अगर कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे आप पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे मोर के साथ, ये आपका हो जाएगा ही इज़ मोर गुड देन ऑनेस्ट, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके लिए और बेहतर मेथड यहाँ पे लेके आएँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।